नमस्कार दोस्तों, ब्रेसेस का इलाज किस एज तक किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट रेगुलरली आते हैं, उनकी एज लगभग आज के समय में 57-58 के लगभग होगी। रेगुलर स्केलिंग, फिलिंग्स और कभी रूट केनाल की जरूरत पड़े, कैपिंग की जरूरत पड़े तो उसके लिए रेगुलर उनका ट्रीटमेंट मेरे यहाँ 10 साल से चल रहा है। मेरे पास लास्ट टाइम जब वो मेरे पास आए, ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो जब वो मेरे पास आए रेगुलर स्केलिंग के लिए, तो उनने बोला कि स्केलिंग वगैरह अपनी सब करा ली और उसके बाद बोला कि बाकी तो मेरे दांतों में और कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने उनके दांत वगैरह सब बाकी एक बार दोबारा चेकअप किया और उनको बताया कि नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। मैं इससे पहले कि मैं बोलता, उनने बोला कि बोले हाँ दांत थोड़े बाहर हैं, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो बाकी सब तो ठीक है ना, आप ये देख लीजिए। मैं एकदम शॉक में आ गया। मेरा शॉक इसलिए था कि उनने ये बोला कि दांत बाहर है और इसका कुछ हो ही नहीं सकता। अब शॉक में आने की बारी उनकी थी। जब मैंने उनको ये बताया कि ब्रेसेस का इलाज किसी भी एज में किया जा सकता है, बस आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, तो अब वो शॉक में आ गए, क्योंकि पिछले 30 साल से उनके दिमाग में यही बात थी कि अब उनकी एज ज्यादा हो चुकी है तो अब उनका ब्रेसेस का इलाज होगा ही नहीं। पहले के समय में जिससे भी उनने राय ली या उनको गलत राय मिली, उससे उनके दिमाग में ये भ्रांति बैठ गई कि ब्रेसेस का इलाज तो 15-20 साल की एज में होता, उसके बाद हो ही नहीं सकता। उसके बाद में मैंने उनको फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई सारे पेशेंट्स की जो ओल्ड एज में आने के बाद भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा चुके हैं और सक्सेसफुल हैं। उसके बाद जाके उन्होंने ब्रेसेस लगवाए और आज की डेट में उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल है। ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद जब वो घर गई तो उनके हस्बैंड का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि डॉक्टर साहब, अगर आप हमको पहले मिल गए होते या हमको पहले किसी ने सही राय दी होती तो हमारी जो शादी की फोटो एल्बम है वो सुधर गई होती। मैं बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आपके दांत और मसूड़े अच्छे हैं तो चाहे आपकी एज 20 है, चाहे 30 है, चाहे 40 है, चाहे 50 है, चाहे 60 है, चाहे 70 है, किसी भी एज में आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बस दांत और मसूड़े आपके स्वस्थ होने चाहिए। इसीलिए रेगुलरली अपने दांत और मसूड़ों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है, समय समय पर स्केलिंग वगैरह कराते रहना आवश्यक है। कुछ एक चीजें थी जो पहले बचपन में की जा सकती थी, जैसे हड्डियों का कुछ अगर अनियमितता है तो उसके कुछ ट्रीटमेंट जो है वो बचपन में ही किए जा सकते थे पहले, पर आज की डेट में हम उसको भी काफी हद तक ओवरकम कर चुके हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम बहुत से समस्याओं का निवारण जो है ब्रेसेस का तो कर ही सकते हैं। दांत बाहर निकले हों, दांतों के बीच में गैप हो, दांत आड़े तिरछे हों, ये सब चीजों का इलाज तो हम किसी भी एज में कर ही सकते हैं। उसके अलावा जबड़ों की अनियमितता का इलाज भी हम काफी एज तक आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल इस भ्रांति में ना पड़े, आप किसी भी एज में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी को अपना प्यार देने के लिए और समय देने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।